गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट का फर्स्ट पार्ट ग्रेच्युटी, जिसका कवर्ड वाला पार्ट हो चुका है। अब हम नॉट कवर्ड कराएंगे। तो नॉट कवर्ड का मींस ये है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जिसमें एम्प्लॉय कवर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें कवर्ड नहीं हो रहा है। नॉट एम्प्लॉयज वो आते हैं, जैसे जो वर्कर्स काम कर रहे हो, जैसे ऑयल फील्ड में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या फिर किसी माइन में काम कर रहे हो। नॉट कवर्ड एम्प्लॉयज वो होते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे काम करिए, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ठीक है, तो कवर्ड के रूल्स तो हो चुके हैं, लेकिन नॉट कवर्ड के रूल्स अभी हम कराएंगे। तो नॉट कवर्ड के रूल्स देख ले पहले क्या होते हैं। पहले लिख लेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी रूल्स हैं सब में ये ज़रूरी है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिखना ज़रूरी है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूल है वो है वन हाफ मंथ एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी फॉर ईच ईयर, फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। ठीक है, तो कंप्लीटेड सर्विस को मीन्स क्या हुआ, सम कंप्लीट सर्विस का मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉई है उसने कितने साल तक कंपनी में काम किया है। लेट्स अज्यूम 33 इयर्स काम किया है, तो 33 इयर्स उसकी कंप्लीटेड सर्विस है। ठीक है, वन हाफ मंथ सैलरी मतलब ले लेंगे, जो एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, एवरेज सैलरी मतलब है 10 मंथ्स। एवरेज सैलरी का मतलब है 10 मंथ्स। 10 मंथ्स मतलब जिस दिन से वो रिटायर हुआ होगा, जब ले ले रहे 1 मई को रिटायर हुआ वो, तो 1 मई से कि पहले जो 10 मंथ्स हैं उन मंथ की सैलरी को हम लोग कंसिडर करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो औसत उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रूल हमारा। सेकंड रूल जो है वो है 20 लाख का, और थर्ड जो रूल है वो है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। तो पहला जो रूल था वो है वन हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस, 10 मंथ्स का सैलरी लेंगे। सेकंड रूल है 20 लाख का, और थर्ड रूल है अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, जैसे ले ले रहे ये नॉट कवर्ड वाला पार्ट है, क्योंकि ये नॉट कवर्ड है तो ये रूल्स हो गए हमारे। लेकिन कुछ पॉइंट समझ ले पहले क्वेश्चन करने के पहले, कि जैसे नॉट कवर्ड है, अगर एम्प्लॉय ने काम किया है 33 इयर्स 9 मंथ्स किसी कंपनी में काम किया है, तो सिर्फ 33 इयर्स ही लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कवर्ड और नॉट कवर्ड में। अगर ये कवर्ड का पार्ट होता तो ये 34 इयर्स बन जाता हमारा। ठीक है, ये 34 इयर्स बन जाता, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ नॉट कवर्ड का पार्ट है तो इसलिए सिर्फ 33 इयर्स लेंगे। अगर ये कवर्ड होता, क्योंकि ये 9 मंथ से ज़्यादा है, ये जो 9 मंथ है ये 6 मंथ से ज़्यादा है, हाफ ऑफ द ईयर से ज़्यादा है, तो ये पूरा 34 हो जाता कन्वर्ट। लेकिन नॉट कवर्ड में सिर्फ 33 इयर्स लेंगे। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो सी लुइस है, सी लुइस जो है वो रिटायर हो रहे हैं कब, रिटायर हो रहे हैं 20 फेब को 2019। तो रिटायर हो रहे 20 फेब 2019 को। ठीक है, कितने साल के काम करने के बाद, 25 इयर्स काम करने के बाद। ठीक है, लिखा है कि ड्यूरिंग द 10 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 जनवरी 2019 ही वॉज ड्रॉइंग अ मंथली सैलरी ऑफ 60,000।
तो उनकी मंथली सैलरी भी क्वेश्चन मेंशन है, मंथली सैलरी क्वेश्चन मेंशन कितनी है 60,000 की, 60,000 ठीक है। फिर कन्वेंस अलाउंस दिया हुआ है, कन्वेंस अलाउंस है 5,000 का ठीक है। ही वॉज एलिजिबल टू रिसीव अ ग्रेच्युटी ऑफ 9,30,000। ग्रेच्युटी कितनी मिल रही है, ग्रेच्युटी मिल रही है 9,30,000 की ठीक है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एंड वॉज पेड द सेम नेट ऑफ टैक्स। अर्लियर इन हिज कैरियर लुइस हैज रिसीव 2,40,000 एज ग्रेच्युटी फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इंजॉयड फुल एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। तो मतलब क्या है कि जो पीवियस एम्प्लॉयर से रिसीव हुई है जो ग्रेच्युटी, सी लुइस को पीवियस एम्प्लॉयर से, वो कितनी थी ₹2,40,000 ठीक है, 2,40,000। ये पीवी, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो 20 लाख का जो सेकंड जो रूल था, 20 लाख का जो सेकंड रूल था उसमें से एक रूल है कि अगर हमें एक साल में किसी भी दो एम्प्लॉयर से अगर हमें ग्रेच्युटी रिसीव हो रही होती है तो जो पीवियस एम्प्लॉयर होता है जो जिससे हमें पहले रिसीव हो चुकी होती है उसकी जो ग्रेच्युटी होती है वो 20 लाख में की जो लिमिट है उससे माइनस हो जाती है ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 2,40,000 है जो सेकेंड रूल था 20 लाख का उसमें माइनस कर देंगे 2,40,000 तो ये आ जाएगा हमारा 17,60,000, 17,60,000 आ जाएगा ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे मेंशन है, कंप्यूट द टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी ही हैज नॉट रिसीव्ड, मिस्टर सी लुइस इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो जो ये कवर्ड नॉट कवर्ड वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन में पहले से मेंशन है। तो जो ये पॉइंट्स हमने जो लिखवाए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मूव ऑन करते हैं जब सॉल्यूशन की तरफ। पहले तो लिख ले लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट रूल था 1/2 मंथ एवरेज सैलरी फॉर द ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ठीक है। तो सैलरी कितनी थी 60,000, रूल क्या है 1/2 मंथ एवरेज सैलरी, 1/2 मंथ एवरेज सैलरी, 1/2 मंथ है ठीक है। तो एवरेज सैलरी है मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 10 महीने की सैलरी कितनी थी, निकल गया देगा 6 लाख आ जाएगा। अब इसका एवरेज निकालेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60,000। 1/2 मंथ था तो ये इसको हाफ करेंगे तो फिर इसको हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,000 आ गया ये। अब इसको रख देंगे 30,000, ये आया हाफ 1/2 मंथ एवरेज सैलरी। अब आगे रूल था फॉर द ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो कितने साल तक काम किया उसने 25 साल तक, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7,50,000, 7,50,000। सेकेंड रूल है 20 लाख का, लेकिन उसने पीवीएस एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी रिसीव करी है सेम ईयर में, तो 20 लाख माइनस 2,40,000 ये आ जाएगा हमारा 17,60,000। ये पीवीएस ईयर एम्प्लॉयर वाली ग्रेच्युटी है ठीक है, कंफ्यूज ना होए। थर्ड जो रूल है वो है ग्रेच्युटी रिसीव, तो ग्रेच्युटी उसको कितनी रिसीव हो रही है, ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है उसको 9,30,000। तो अब देखिए एक अमाउंट ये है, एक अमाउंट ये है और एक अमाउंट ये है, लीस्ट कौन सा इसमें, लीस्ट जब देख रहे हैं तो ये वाला है 7,50,000। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड है रूल ठीक है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कौन, लीस्ट कौन सा है 7,50,000, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्जेम्प्ट क्या है, टैक्सेबल क्या है, तो जब एग्जेम्प्ट निकालना होगा तो एग्जेम्प्ट 7,50,000 हो जाएगा, लेकिन अगर टैक्सेबल निकालना है
तो जैसे जो पीवीएस वाला चैप्टर करा था, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला बिफोर रिटायरमेंट, तो उसमें जब एचआर कैलकुलेट करते थे तो उसमें टैक्सबल कैसे निकालते थे, टैक्सबल क्या निकालते थे, जब जो अमाउंट रिसीव हो रहा होता था हम लोग को एज इन अ फॉर्म ऑफ एचआर, उसमें सब लोग एग्जेम्प्टेड पार्ट माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर इन अ फॉर्म ऑफ ग्रेच्युटी क्या रिसीव हो रही है, 9,30,000, तो 9,30,000 में हम लोग 7,50,000 माइनस कर देंगे, ये अमाउंट रिसीव हो रहा है, एग्जेम्पशन लिमिट हमारी 7,50,000, एग्जेम कितना अमाउंट हो रहा है 7,50,000, तो 7,50,000 9,30,000 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9,30,000 में माइनस कर देंगे 7,50,000, ये हमारा आ जाएगा 1,80,000, ये हो गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल ग्रेच्युटी। लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड पूछा जाएगा कि एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी कितनी है, तो एग्जेम्प्टेड है सिर्फ 7,50,000। ठीक है, तो टैक्सेबल हमारी होगी 1,80,000, एग्जेम्प्टेड हो गए हमारी 7,50,000। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा नॉट कवर्ड का। ठीक है, अब कवर्ड वाला जो पार्ट कराया था, कवर्ड वाले पार्ट में क्या रूल था, कवर्ड वाले पार्ट में रूल था 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करते थे हम लोग उसमें, 15 डेज सैलरी। तो 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करते थे, फिफ्टीन इंटू लास्ट मंथ सैलरी अपॉन 26। सिर्फ एक रूल है जो डिफर करता है दोनों, कवर्ड नॉट कवर्ड में, वो है एक ये रूल है, फर्स्ट रूल जो है सिर्फ वही डिफर करते हैं दोनों में, और जो कवर्ड का हो गया है ये। अच्छा, यहाँ पर सैलरी का मतलब पता क्या होता है, यहाँ पर सैलरी का मतलब सेम एज ऑफ नॉट कवर्ड का नहीं होता है, यहाँ पर सैलरी का मतलब होता है कवर्ड में सैलरी इंक्लूड्स, कवर्ड का पार्ट बता रहे हैं, ठीक है भाई। कवर्ड में सैलरी क्या होती, सैलरी क्या इंक्लूड करती है, बेसिक सैलरी ऐड करेंगे डीए, ठीक, और डीए में अगर कंडीशन दी है या नहीं दी है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डीए ऐड कर ही देते हैं। अभी तक क्या था, हम लोग डीए देखते थे, कंडीशन दी है तो ही ऐड करते थे। अभी इसमें क्या है ग्रेच्युटी कवर्ड वाले पार्ट में क्या है कि डीए दिया, मेंशन है डीए, कंडीशन नेसेसरी नहीं है इसमें, जो वैल्यू ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारा यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। एज्यूम कर ले रहे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन बना ले रहे, सैलरी दी हुई है 20,000 क्वेश्चन में और डीए दिया है 10,000, तो 30,000 आ गया। डीए में हमने क्या बोला, सिर्फ 10,000 हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो 30,000 बना दिया जाएगा। लेकिन अगर दिया है बेसिक सैलरी 20,000 है और डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 10,000 है, तो भी 30,000 आंसर ही होगा, क्योंकि हम लोग कंडीशन दी हो या ना दी हो लेकिन हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, कवर्ड नॉट कवर्ड में क्या रूल है, सैलरी का, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख रहे हैं। अभी यही नॉट कवर्ड हो, नॉट कवर्ड में क्या होता है कि सैलरी जो होती है वो इंक्लूड क्या क्या करती, देखें, बेसिक सैलरी, पहला तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, कंडीशन नेसेसरी है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ज़रूरी है, प्लस कर देंगे कमीशन, इसमें कमीशन भी आता है, इसमें एक पॉइंट ऐड हो रहा है वो है कमीशन का, कवर्ड वाले में कमीशन नहीं आता है। कमीशन क्या होता है, दो तरीके से आ सकता है, कभी कभी हमें अमाउंट भी दे दिया जाता है कि कमीशन अमाउंट 10 लाख का है, या फिर हमें कमीशन जो दिया है वो है 60,000 50,000 ऐसे दे दिया जाएगा, या फिर कभी कभी दे दिया जाता है कि फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मींस क्या हुआ, टर्नओवर मींस हमारा सेल्स हुआ। फिक्स परसेंटेज मतलब क्या हुआ कि तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि 3% है कि 2% है, टर्नओवर सेल्स दे दी जाएगी कि कितनी है, तुम्हें 3% कैलकुलेट करना होगा सेल्स का। ठीक है,
एज्यूम कर ले रहे, जैसे परसेंटेज दिया 3% ऑफ सेल्स दे दी गई है 2 लाख्स, तो 3% और 2 लाख्स निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 6000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सैलरी के क्या क्या इंक्लूड क्या करती है, कवर्ड का भी और नॉट कवर्ड का भी। कवर्ड में सिर्फ एक रूल डिफर कर रहा है नॉट कवर्ड से, वो है फर्स्ट रूल, जिसमें 15 डेज सैलरी निकालनी है कवर्ड में। नॉट कवर्ड में हमें सिर्फ 1.5 मंथ एवरेज सैलरी निकालनी है। ठीक है, ये बस एक सिंगल रूल डिफर कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर नॉट कवर्ड का पार्ट है तो उसमें ये ध्यान रखना होगा, अगर पीवीएस एम्प्लॉयर से हमें ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो जो लिमिट 20 लाख्स की बनाई गई है उसमें से पीवीएस एम्प्लॉयर की जो ग्रेच्युटी रिसीव हो रही होगी वो हम लोग माइनस कर देंगे। कभी कभी एक साल में हमें दो अलग अलग ग्रेच्युटी रिसीव हो जाती है, जैसे हमें पीवीएस एम्प्लॉयर की पेंडिंग पड़ी होती है तो वो हमें किसी ईयर में दे देता है, तो हमें वो भी जो सैलरी होगी वो जो ग्रेच्युटी होगी वो हम लोग 20 लाख में से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर जाके जो वैल्यू होगी वो हमारी 20 लाख्स की जगह को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेंशन डिस्कस करेंगे। कोई भी जो डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो उनको हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पेंशन का एक तब भी हल्का सा समझा दे रहे कि पेंशन होती क्या है। वैसे पेंशन तो सभी को पता है कि क्या होती है, जिसके घर में अगर पेरेंट्स या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर रिटायर हो चुके हैं तो उनको पेंशन मिलती होगी अगर वो लोग पहले के हैं, क्योंकि करंट अब क्या है, अगर जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब है तो उनकी पेंशन नहीं रिसीव हो रही है, नहीं मिलती है। ठीक है, तो पेंशन क्या होती है, तो वॉट एवर पेंशन इज रिसीव बाय एन एम्प्लॉई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, अगर मनी रिसीव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन तो वो कौन से हेड में चार्जेबल होती है, सैलरी हेड में। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, PGBP है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इफ़ अ पर्सन आफ्टर सर्विंग इन इंडिया रिटायर्स एंड सेटल्स इन फॉरेन कंट्री, अगर मतलब कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे सर्विस करता है और यहाँ से रिटायर होके जाके बाहर कंट्री में रहने लगता है, अगर पेंशन रिसीव कर रहा है उस सर्विस के लिए, तो जो सच पेंशन शैल बी डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में रिसीव हो रही है एंड चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इवन ही बिकम्स नॉन रेजिडेंट इंडिया। तो क्या हुआ कि अगर कोई भी इंसान पेंशन रिसीव कर रहा है रिटायर होने के बाद इंडिया में, और वो रिटायर होने के बाद जाके बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहने लगा, तो क्योंकि वो जो पेंशन है वो इंडिया से अराइज हो रही है तो वो चार्जेबल होगी, टैक्सेबल मतलब चार्जेबल होगी वो कौन से हेड में, सैलरी हेड में। ठीक है, तो इसका एक चार्ट है वो देख ले रहे हैं। अनकम्यूटेड मीन्स मंथली, ये मंथली अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली पेंशन, या फिर कम्यूटेड मतलब लमसम, लमसम मीन्स एक साथ पूरे इकट्ठा मिल गई हो। ठीक है, कम्यूटेड पेंशन यहाँ पे लिख लो लमसम। ये चार्ट बना लेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसका आगे के डिस्कशन भी कर लेंगे और इसका हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये जो होती है, अगर ये रिसीव हो रही है, ठीक है, तो ये टैक्सेबल होगी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, इवन वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, मंथली अगर रिसीव हो रही है टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। लेकिन अगर लमसम में मिल रही है हम लोग पेंशन, तो उसके दो अलग अलग रूल्स हैं, गवर्नमेंट के लिए अलग है, नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग है। गवर्नमेंट के लिए क्या रूल है, गवर्नमेंट के लिए रूल ये है कि उसकी जो पेंशन होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट है वो, तो उसके लिए दो अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो जो दो अलग अलग रूल्स हैं वो क्या हैं, फर्स्ट रूल ये है कि इफ ही इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, मतलब उसको ग्रेच्युटी साथ में रिसीव हो रही है, पेंशन भी रिसीव हो रही है और ग्रेच्युटी भी साथ में रिसीव हो रही है, इफ ही
इज इन अ रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी मेंशन कर लिया जाए, ये इफ ही इज इन अ रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी ये मेंशन कर लो, इफ ही इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी मीन्स क्या है, इसको ग्रेचुटी भी साथ मिल रही है पेंशन के, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी एक ये पॉइंट है, और जो सेकंड पॉइंट ये है कि इफ़ ही इज़ नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, यहाँ नॉट लगा लो, नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, इफ इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी या फिर ही इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, ये कौन सा पॉइंट है, ये नॉन गवर्नमेंट का पॉइंट है, नॉन गवर्नमेंट का, एक क्या था अगर गवर्नमेंट तो एग्जेंट हो रही थी, नॉन गवर्नमेंट लेके आए, दो पॉइंट्स हैं, इफ ही इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी या फिर नॉट ही इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, तो अगर वो ग्रेचुटी उसको मिल रही होगी तो जो कंप्यूटेड वैल्यू होगी हमारी, कंप्यूटेड वैल्यू जो होगी, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वन थर्ड ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, इज एग्जेम्प्ट मतलब वन थर्ड ऑफ पेंशन जो होगा, जो कम्प्यूटेड वैल्यू निकलेगी उसमें वन थर्ड ऑफ पेंशन जो होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उसको ग्रेचुटी साथ में नहीं रिसीव हो रही होगी तो इसमें वन सेकेंड पार्ट है ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, इसमें वन सेकेंड वन मतलब हाफ पार्ट ऑफ पेंशन एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, कम्यूटेड वैल्यू तो इसमें भी लिख लें कम्यूटेड वैल्यू ऑफ वन हाफ वन अपॉन टू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, तो फिर से एक बार देख ले रहे, कम्यूटेड है अन मंथली मिल रही है तो टैक्सेबल होगी, लमसम है तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिफर डिफाइन अलग अलग कर लेंगे, गवर्नमेंट है जो टैक्सेबल सॉरी गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट, अगर नॉन गवर्नमेंट तो देखेंगे ग्रेचुटी साफ में रिसीव हो रही है कि नहीं रिसीव हो रही है, अगर रिसीव हो रही होगी तो जो कम्यूटर वैल्यू निकलेगी उसका वन थर्ड पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर ग्रेचुटी नहीं रिसीव हो रही है तो वन सेकेंड पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये रूल्स हैं, अगर थियोरेटिकल पार्ट में आता है कि व्हाट इज़ पेंशन व्हाट यू मीन बाई पेंशन तो ये मेंशन कर दे, चार्ट बहुत ही क्लियर तरीके से समझा देगा कि मतलब कि क्या पार्ट एग्जेम्प्ट है कौन सा पार्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन, इस अभी के लिए कोई भी जो भी डाउट हो आज की क्लास से जो कोई भी डाउट हो उसको हम लोग नेक्स्ट के लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, तो डाउट्स को अपने देख लिए जो भी प्रॉब्लम्स हो वो भी देख लेंगे, ठीक है, थैंक यू।